Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बाहें फैला के स्वागत किया अहिल्या ने आने वाले खतरे का, मगर हरकोबाई समझ गई पूरा माजरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। द्वारिका का मिशन पार्वती यानी के खंडेराव की दूसरी शादी, ये पूरे जोर शोर से चल रहा है और पार्वती की एंट्री भी हो चुकी है और अहिल्या के साथ उसने आरती भी पूरी कर ली। अब ये सारी बातें अहिल्या बहुत ही बड़े दिल से ले रही हैं, क्योंकि अहिल्या का दिल ही बड़ा है, मगर उसके पीछे क्या सच्चाई है वो ये नहीं जानती है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाल ही में जो प्रोमो आया है दोस्तों, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पार्वती जिस तरह से एंटर हुई है वाड़े के अंदर, तो कोई बड़ा कार्यक्रम तो होगा ही होगा, और वो बड़ा कार्यक्रम होगा खंडेराव और पार्वती की शादी, या फिर ये जो मसला है इस लेवल तक जाएगा कि अहिल्या का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। तो जो आरती हुई है, जो आरती करते करते अहिल्या रुक गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उस समय पार्वती ने आके पूरी आरती पूरी की, गाया बहुत अच्छे से, सबका दिल जीता। गौतमा खड़ी है वहां पे, द्वारिका खड़ी है वहां पे, हरकोबाई साहिब खड़ी है, तो सब लोग आरती सुन रहे हैं, अहिल्या भी सुन रही है और बहुत ही खुश हो रही है कि कितने प्रेम से पार्वती ने आरती पूरी की उसके शिव जी की, भोले बाबा की। अब यहाँ पे अहिल्या को तो ये सब बातें नहीं पता है, मगर गौतमा को तो पता है, द्वारिका को तो पता है। द्वारिका किसी भी तरीके से चाहती है कि जल्दी से जल्दी पार्वती और उसके परिवार के सभी सदस्य वहां से चले और वाड़े के अंदर चले, यानी कि अहिल्या के सामने ज्यादा देर तक नहीं खड़े रहे, इसलिए वो जल्दी जल्दी अहिल्या से पार्वती को दूर करती है और उनको बताती है पार्वती को कि ये है पटरानी गौतमा, यानी कि द्वारिका का जो मिशन है, पार्वती जो खंडेराव की दूसरी शादी है उसका पहला पड़ाव तो गौतमा ही है, कि गौतमा का दिल जीत ले पार्वती कैसे भी करके, इसलिए वो पार्वती को गौतमा से मिलवाती है। गौतमा के दोस्तों एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, उसके जो एक्सप्रेशन है उनसे पता चल रहा है कि वो दिल पे भारी बोझ लेके ये काम कर रही है, क्योंकि वो जिस तरह अहिल्या की परवरिश कर चुकी है, अपनी बेटी की तरह मानती है, मगर यहाँ पे कहानी उल्टी कर दी है द्वारिका ने। अब इस पूरे के पूरे सीन को हरकोबाई साहिब भी देख रही है, जिसको हम सब देख चुके हैं कि बहुत ही समझदार रानी है, वो अहिल्या को खुश देख रही हैं, मगर वो ये भी देख रही हैं कि पार्वती का स्वागत ये सब लोग किस तरह से कर रहे हैं, और इससे पहले भी वो सुन चुकी है गौतमा और द्वारिका की बातें, जिसमें उसको खास करके खतरा महसूस हुआ था और गौतमा को उसने आगाह भी किया था कि जो काम दुविधा, जिस काम में दुविधा हो उस काम को नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हरकोबाई के सामने है और उन्होंने इस खतरे को भांप लिया है कि ये जो पार्वती का आना है और द्वारिका के इस तरह से चमचागिरी करनी है जो पार्वती की, इसके पीछे कोई बड़ा खतरा जरूर है, और बड़ा खतरा एक ही हो सकता है, वो हरकोबाई साहिब भी समझती है, क्योंकि वो राजघराने से है, कि खंडेराव की दूसरी शादी। अब देखते हैं दोस्तों पूरी एपिसोड में ये किस्सा कैसे सामने आता है, मगर एक बात तय है दोस्तों कि अहिल्या जितनी भोली भाली है उसका फायदा उतना ही लोग उठाते हैं, वो इतनी दिल की साफ है कि वो सपने में भी ये बात नहीं सोच सकती कि पार्वती इसलिए आई है वाड़े में कि उसके खंडेराव को उससे बांट लेगी। दुख होता है दोस्तों, मगर सच्चाई यही है जो हम सीरियल में देख रहे हैं। क्या कहना है आपका, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.